we are back with our special segment of Fun Facts with your favorite celebs, and today we have with us Ruslan Mumtaz to share some fun facts of his life with us. I have a habit that I want to get rid of. I don't think so, yeah. मतलब नहीं perfection को मैं कैसे change करूँगा? क्या change कर सकता हूँ मैं as a habit? वो तो सब में होता है. इतना तो कोई भी enjoy कर सकता है. Habit, but habit नहीं है. Laziness is not a habit. I'll think about it. सोचना पड़ेगा. Your turn. I used to bite my nails. So she has very bad habits. अभी भी I stopped like since a long long time, but अभी भी कभी कभार जब टेंशन आ जाता है या स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उस दिन बेचारे नेल्स को. हम ना हमारे घर में नेल कटर भी नहीं रखते क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो निराली के पास चले जाओ और बोल दो उसको. देखो मेरे कितने अच्छे से ट्रिम्ड है ऑलवेज. देखो मेरी तो बैड हैबिट है ही नहीं. हाँ ठीक है. आई थिंक ब्रेन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ थोड़ी ब्यूटी भी हो तो अच्छा लगता है. आई कांट चूज़ वन ऑफ देम, बट इफ़ आई हैड टू चूज़ वन ऑफ देम देन आई थिंक आई वुड चूज़ ब्रेन, बिकॉज यू नीड टू टॉक ना. मनी मनी वेर एवर आई गो ओनली फॉर मनी. यर्ड कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिलती है मुझे. मैं ना बहुत सारे फोटोज़ डालता हूँ विदाउट शर्ट एंड ऑल दैट, तो वो बॉडी पार्ट्स को कमेंट करके वियर्ड हो जाता है. तो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स जो नॉर्मली हम लड़कियों में देखते हैं, वो लड़के पता नहीं, हाँ लड़के ही होते हैं, वो लड़के लड़कों में भी देख लेते हैं, तो वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है. वन रूमर दैट आई हैव हर्ड अबाउट माई सेल्फ इज़ दैट आई एम बाईसेक्सुअल, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ. मैं बाईसेक्सुअल नहीं हूँ. मैं गे तो दूर की बात है, मैं बाईसेक्सुअल भी नहीं. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आई डोंट रिस्पेक्ट गेज. आई लाइक गेज, मतलब वो अच्छे हैं, दोस्त हैं मेरे, बट यार मैं नहीं हूँ तो अब मैं क्या करूँ. नहीं मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, लोग तो उनको भी नहीं छोड़ते, तो मैं तो सोचता हूँ कि जितने भी इंडस्ट्री में आदमी है, कोई स्ट्रेट ही नहीं है यार, तो फिर मेरे बारे में तो ऐसा ही बोलेंगे ना. अभी जो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, इतने मैचो है, इतने स्टड टाइप के, उनको भी गे बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं कि स्विंग्स बोथ वेज, बाईसेक्सुअल, तो फिर मैं क्या बोलूँ फिर. ठीक है, निराली को तो पता है कि ये तो रूमर, इतना दूर का रूमर है कि क्या बोलेगी. yeah, I mean, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि ये सच है कि नहीं. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई लड़का आएगा ना घर पे और बोलेगा दीदी मैंने आपके हस्बैंड के साथ कुछ किया है दीदी, तो भी वो क्या बोली, क्या रिएक्शन होगा उसका. Like he's lying obviously. मजाक मत करो मेरे साथ. यार आई टेल यू माय वर्किंग आउट हैबिट इज क्वाइट सिली, क्योंकि कभी कभी मैं जब होटल में होता हूँ या आई हैव वर्कड आउट इन द बाथरूम ऑल्सो, छोटा सा बाथरूम में भी मैं पुशअप पुशअप मार के मैं बाहर निकला हूँ, क्योंकि शायद मेरा ऐसा कोई शॉट हुआ हो. And now I have to come out and I have to, you know, be without a shirt and all. But in front of everyone, I don't want to come out, you know, looking little weak. So bathroom mein when they have sent me ki jaake apna change kar lo, shorts pehno, to main bathroom mein bhi push-up maar ke aata hu. So it's true. Sometimes if you are going for a swim, pool pe, to now main bahar to aake push-up nahi maar sakta. Sare dost honge, shayad wife hogi. But to bhi main bathroom mein jab change karta hu na, to shower area mein thode push-up maar ke bahar aata hu. So it is a stupid habit. अभी मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया. अभी मैं क्या बताऊँ, आई वॉज ऑल्सो वेरी, आई मीन आई एम स्टिल क्वाइट व्हाट यू से हेल्थ कॉन्शियस. तो मैं, मेरा भी डाइट ऑलवेज पहले से ही अच्छा ही था, बट शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही क्लीन हो गया है, कुछ ज़्यादा ही. अभी लास्ट एक हफ्ते से ही मैं उनको क्रिप कर रही हूँ कि थोड़ा मुझे खाने दो, थोड़ा डिजर्ट खाने दो, बिकॉज माई एवरी डे डाइट इज सो क्लीन कि अभी समटाइम्स यू रियली क्रेव. तो अभी मैंने भी वही ढाल दिया है, सो इट्स ओके. आई थिंक वट एवर चेंजेस वी हैव मेड फॉर इच अदर, वो सही चेंजेस हैं, वो हर किसी के लाइफ में आने चाहिए. वी गॉट ओनली गुड हैबिट्स फॉर इच अदर. और ऐसा नहीं है कि मैंने निराली को बोला कि एवरी सैटरडे नाइट वी मस्ट ड्रिंक और वी मस्ट पार्टी, ऐसी कोई आदत है नहीं. हम दोनों पहले से ही वी वर वेरी क्लीन इंडिविजुअल्स, और जितना भी दूसरा नहीं जानता था या नहीं आता था उसे, तो वी हैव टॉट दैट पर्सन दैट मच.
I have one movie that is going to come up soon. Coincidentally, luckily, मैंने उसे complete कर दिया था बालिका वधू के पहले. तो hopefully वो अभी तक edit हो गई होगी. शायद dubbing start हो जाएगी तो 6-7 months में वो बाहर आ जाएगी. That's called होजा जरा मतलबी. तो that might be something interesting. And TV का ऐसा है कि इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊँगा. पहले मैं थोड़ा stupid था, थोड़ा फसी था कि ये शो नहीं करूँगा, वो शो नहीं करूँगा. बहुत सारे शोज़ को ना बोल के मैंने बालिका वधू चूज़ किया था, जो कि 3 महीने में ऑफ एयर हो गया. तो अब मैंने रियलाइज़ किया है कि ये स्टुपिडिटी हो गई. तो उससे बेहतर है कि मैं जो शो पहले मिलेगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि चीज़ें फिट हो सकती है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और कर लूँगा. तो आई विल बी बैक सूनर देन लास्ट टाइम. Hope you guys enjoyed this segment. To watch more fun videos with your favorite stars, subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Reporter Ashima, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, I'm Ruslan Mumtaz. And I'm Nirali Mumtaz. And you're watching us on IndiaForums.com. Keep watching.